नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। चक्रवाती तूफान यास ने दस्तक दे दी है, बस करीब 24 घंटे और उसके बाद इसके उड़ीसा के तट से टकराने के पूरे पूरे आसार है, जिसे लेकर मौसम विभाग लगातार लोगों को आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। कल दोपहर उड़ीसा में बालासोर के करीब तूफान यास टकराएगा, लेकिन तूफान का ट्रेलर आज सुबह से दिखने लगा है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। समंदर बेकाबू होने लगा है, लहरें खतरनाक तरीके से ऊंची उठने लगी हैं, कहीं कहीं जोरदार और मध्यम बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये यास तूफान का ट्रेलर है जो कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। पश्चिम बंगाल के दीघा का समुद्री किनारा आमतौर पर शांत दिखता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान के आने से पहले ही दीघा में समंदर का मिजाज अशांत दिखने लगा है। सागर की लहरें किनारों से टकराकर ऊपर तक पहुंच रही हैं। इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं और अभी भी तूफान आने में कई घंटे समय बचे हुए हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं समुद्र की जो हालत हो रही है, समुद्र पूरे उफान पर धीरे धीरे आ रहा है। रफ कंडीशंस जिसको कहा जाता है समुद्र की, वो इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि आमतौर पर दीघा का जो सी बीच है वो शांत सी बीच कहा जाता है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल भी शांत नहीं है, पूरी तरह से अशांत। समुद्र ऊंची ऊंची लहरें और जो थपेड़े हैं बड़ी तेजी से आ रहे हैं और टकरा रहे हैं, और ऐसे में पहले से ही वार्निंग इशू की हुई है मेट डिपार्टमेंट की ओर से कि इस वक्त समुद्र में न जाएं, और यही हाल इस वक्त हम समुद्र का यहां पर देख रहे हैं। और ये और भी ज़्यादा ख़राब होगी स्थिति, जो लहरें हैं और ऊंची उठेंगी, और ख़ासतौर पर ईस्ट मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना में। तूफान आने में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन दीघा की इन तस्वीरों में तूफान का ट्रेलर साफ नजर आ रहा है। समंदर के किनारे लोगों और मछुआरों के लिए बने अस्थाई ठिकाने उजड़ चुके हैं। डर है कि कल तूफान आने के बाद कहीं सबका नामो निशान न मिट जाए। जिला प्रशासन को भी खतरे का आभास है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम खतरे के चिन्हित गांवों को खाली करने में जुट गई है। बस कोशिश है कि किसी तरह तबाही का दायरा बड़ा न होने दिया जाए। दीघा से दूर ओडिशा के बालासोर का मंजर भी कुछ अलग नहीं है। ये वही इलाका है जहाँ कल तूफान टकराने वाला है। यहाँ भी सुबह बारिश हुई है, विनाश की आशंका के साथ यहाँ तूफान का इंतजार हो रहा है। जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। अगर हम बात करें 160 से ऊपर की स्पीड की प्रति घंटे की चल रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। बारिश रुक रुक के हो रही है, पूरी रात होती रही है, और अब आगे आने वाले समय में बारिश और भी बढ़ जाएगी। यानी साइक्लोन का अपना पूरा प्रकोप है वो सामने आता नजर आएगा। बालासोर के पास चांदीपुर की इस तस्वीर को देख लीजिए। समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मछुआरों से इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। कहने को ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके को खतरनाक बना देगा। कल जो आएगी 26 तारीख को जो लैंडफॉल करेगी उसका, तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है।
तो ये जो हम लोग जो डायडॉक का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है, पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोट का सबको बांध चुके हैं, अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है, उसका तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को ही मानते रहो। तूफान की वजह से समंदर का मिजाज चंचल हो रहा है, हवा के जोर से पानी ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे में पास के लिए समंदर का मुंह त्यागने में ही समझदारी है। अम्बासपुनी में थोड़ा पानी चढ़ता है, ये हवा के जोर से अभी पानी ज्यादा चढ़ रहा है, साइक्लोन के जरिए से। वैसे नहीं होता, ऐसे नहीं आता है, कम आता है पानी। अच्छा, देखिए आप लोगों को सरकार की तरफ से बता दिया गया है इसके बारे में? जी हाँ बताया। जो बोट में और बाकी कुछ एक दो लोग हैं, उन लोग अभी वो जाने के लिए बोले हैं उन लोग को, और कुछ लेके भी गए हैं साथ में। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं कि उन लोग को फॉलो करें। तूफान का केंद्र तो बालासोर के पास है, लेकिन बारिश ओडिशा के कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर भुवनेश्वर की है। सुबह की बारिश से शहर तरबतर हो चुका है। जोरदार बारिश केंद्रपाड़ा में भी हुई है। कुल मिलाकर यास ने एंट्री से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वालों के लिए जरूरी है कि वो सावधान रहे और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा आज तक। और आपको सीधे इस वक्त हम ग्राउंड पर ले जाते हैं। आज तक के रिपोर्टर्स जगह जगह पर तैनात हैं आपको सीधे जमीनी हकीकत दिखाने के लिए। दीघा में, पश्चिम बंगाल में इस वक्त अनुपम मिश्र मौजूद हैं। सुंदरबन इलाके से पश्चिम बंगाल के सूर्याग्नि हमारे साथ आ गए हैं, और उड़ीसा के चार प्रमुख तटीय इलाके बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, ये चार वो तटीय इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा तूफान का असर रहेगा। उनमें से एक इलाका बालासोर में इस वक्त कंवलजीत संधु मौजूद हैं। कंवल, आप सुबह से लगातार रिपोर्ट्स हमें वहां से दिखा रही हैं, आपने लोगों से बात की, आपने अस्पतालों को विजिट किया, आपने बस में एनडीआरएफ के साथ जो तटीय इलाके हैं वहां तक ये पूरा सफर तय किया। अभी ग्राउंड पर एक्चुअल सिचुएशन क्या समझ में आ रही है, कितना खतरनाक तूफान रह सकता है, लोगों को राहत देने के लिए क्या इंतजाम है? आपको बता दूं, पल पल मौसम बदल रहा है। कुछ देर पहले तक जब हम यहाँ पर खड़े हुए तो बिल्कुल मौसम साफ था। अगर आप पीछे समंदर देखेंगे तो उसके लपटे आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, यानी पूरा पीछे चला गया है और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पीछे गया है पानी। लेकिन धीरे धीरे ये पानी दोबारा वापस आएगा और काफी ऊपर तक जाएगा। कुछ देर पहले तक अगर कैमरा पैन करें, आप देख सकते हैं बारिश की वजह से लोग चले गए, नहीं तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, यानी कई लोग हैं वहां पे कैमरा फोन लेके, मोबाइल फोन लेके यहाँ पे फोटो खींचना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम आपको आंकड़ों की बात बताएं तो 1.5 लाख लोग 8 डिस्ट्रिक्ट से मूव किए गए हैं, इवैक्यूएट किए गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ ने किया है, मछुआरों को पहले ही हटा दिया गया था। तो स्थिति का असमंजस जो है वो बना हुआ है, और खास तौर पर रात भर बारिश होगी जिसके बाद सुबह लैंडफॉल होगा। जो उफान है, साइक्लोन यास, उसका जो प्रकोप है वो नजर आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी तेज हवा होगी कि आसपास के जो खंभे हैं और पेड़ हैं ये भी उखड़ सकते हैं, यानी जो तटीय इलाके में जो घर हैं वो खाली कराए गए हैं, खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है अस्पतालों में लगातार बिजली बनी रहे, इस सबका बंदोबस्त किया गया है। उड़ीसा उन राज्यों में से है जिन्होंने हमेशा बहुत तैयारी की है, 0 कैजुअल्टी रही है साइक्लोन्स में, और ये वो बरकरार रखना चाहेंगे, चाहे वो साइक्लोन की वजह से अस्पतालों में भर्ती जो लोग हैं उसका हो। आपको बता दें यहाँ पे काफी जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, कुछ देर पहले तक यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि लोग ना जाएं, हालांकि हमने देखा कि कुछ लोग मजा लेने के लिए यहाँ पे समंदर के अंदर जा रहे थे क्योंकि पानी काफी पीछे चला गया है, लेकिन ये अचानक आगे भी आ सकता है। और हमें बताया गया कि पूरा उफान रात भर में आएगा जिसके बाद खूब बारिश होगी, और कल सुबह भद्रक और बालासोर के बीच में साइक्लोन यास का प्रकोप नजर आएगा। ठीक है कंवल, मैं आपके पास लौटूंगी। अनुपम, पश्चिम बंगाल में कितना असर रहने वाला है तूफान का? जी देखिए, यास की जो अभी स्पीड और गति है और जो जिस दिशा में जा रहा है वो है बंगाल और उड़ीसा कोस्ट, और इसका जो लैंडफॉल बताया जा रहा है वो है बालासोर के आसपास। लेकिन बालासोर जो है बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है, और यहाँ पर पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना, ये जो 2 ज़िले हैं ये कोस्टल ज़िले हैं, और इनको टच करते हुए ही ये तूफान गुजरेगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा प्रकोप रहेगा, प्रभाव रहेगा। और गति की अगर हम बात करें तो
बताया जा रहा है कि जब ड्यूरिंग लैंडफॉल के दौरान इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, लेकिन जो गस्टिंग स्पीड होती है, जो झोंका होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रहेगा। और ये काफ़ी खतरनाक है 150 किलोमीटर। अगर हम पिछले दो तूफानों की बात करें, कंपेयर करें, तो अम्फन जो तूफान आया था पिछले साल, उसे सुपर साइक्लोन कहा गया था, कैटेगरी 5 का तूफान था वो, और उसमें जो अधिकतम स्पीड थी वो थी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, गस्टिंग स्पीड। इससे पहले फोनी आया था, वो भी उड़ीसा में आया था, पुरी को काफ़ी तबाही हुई थी। पुरी में जब गस्टिंग स्पीड जो हाईएस्ट थी वो थी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 185 किलोमीटर, तो उस हिसाब का ये तूफान नहीं है, दो कैटेगरी नीचे है। ये है वेरी सिवियर साइक्लोन, इसकी कैटेगरी 2 डिग्री नीचे बताई जा रही है, तो उतना नुकसान होने की आशंका नहीं है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि किस इलाके पर लैंडफॉल हो रहा है, रिहायशी इलाका है, सुनसान खाली इलाका है, क्योंकि अम्फन के समय में जो 260 किलोमीटर की गति थी वो सुंदरबन इलाके में बहुत सारा हुआ था, तो काफ़ी जगह रिहायशी इलाके थे वहाँ तो नुकसान हुआ, लेकिन जो रिहायशी इलाके नहीं थे वहाँ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो बालासोर का इलाका है, ये काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, समुद्र के किनारे वाला, तो यहाँ पर अगर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और बालासोर से दीघा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो दीघा के आसपास भी हवाओं की गति लगभग उतनी ही रहेगी। और इसके जो दूसरी तरफ है, सागर आइलैंड है जो गंगा सागर कहते हैं, वहाँ पर भी हवाओं की गति थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस गति से भी अगर तूफान टकराता है लैंड पर, तो नुकसान काफ़ी हो सकता है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी इवैक्यूएट किया जाए लोगों को, जिनके कच्चे घर हैं खासतौर पर समुद्र के किनारे, तो उस प्रोसेस में उड़ीसा एक प्राथमिकता है सरकार की। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, डीएम मुख्य सचिव भी आपस में संपर्क में हैं कि जमीन पर नुकसान कम से कम हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं, कम से कम जिंदगी पर खतरा ना बने। सुंदरबन में इस वक्त सूर्याग्नि भी मौजूद है। सूर्याग्नि, आप क्या इस इलाके में देख रहे हैं, और प्रशासन की कितनी मुस्तैदी आपको दिखाई दे रही है, किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जहाँ पे हम हैं, ये पोखाली है, पश्चिम बंगाल मेनलैंड का ये आखिरी स्ट्रेच है, और इसके पीछे, मेरे पीछे, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जब अम्फान आया था 2020 में, तो इन्हीं इलाकों पे ही लैंडफॉल होकर ये कोलकाता की तरफ अम्फान ने मोड़ लिया था, तो उससे बहुत ही बड़ी सीख लेके यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज है मीनाक्षी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, समुन्द्र पीछे चला गया है। लेकिन यहाँ पे एक अगर चीज देखें, तो यहाँ पूरे स्ट्रेच पे एक भी इंसान आपको दिखाई देगा नहीं, ये टूरिस्ट स्पॉट है। सुबह जब हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ के जो लोकल्स है, स्थानीय, जिनकी रोजी रोजगार कम्प्लीटली टूरिज्म के ऊपर निर्भर है, उनसे हमने बात की, और उनका दावा यह है कि क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के कारण से यहाँ पे पहले से ही, पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी लॉकडाउन था, और कोई भी टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी अलाउड नहीं था, तो दुकानें इनकी बंद है, लेकिन कुछ जो जितना भी सामान इनके पास है वो लेके ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का नजारा दिखा दें आपको फिर से, बोखाली जो पश्चिम बंगाल, मेनलैंड पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है, वहां पे कम्प्लीटली इस जगह को इवैक्यूएट कर दिया गया है, कि बीच के आसपास या फिर इस कोस्टल रीजन के आसपास कोई भी यहाँ पे आज से घूम नहीं सकता। मीनाक्षी जी, तो लगातार ये तस्वीर आपको हम सीधे ग्राउंड से दिखा रहे हैं। हमारे साथ कवल, सूर्याग्नि और आगे अनुपम भी बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।